भगवान बृहस्पति देव की कृपा आप सब पर बनी रहे। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान बृहस्पति देव का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सुनते हैं गुरुवार की व्रत कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर 3 दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ जिसे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने से मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कहीं बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उसमें बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति वार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी,
परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसे मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दसवीं के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। इन दिनों कुछ चीजों को सेवन करने से निषेध माना गया है, तो आइए जानते हैं एकादशी के दिन क्या हमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जब हम एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न का दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण ना करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो तो एक बार भोजन अवश्य कर ले। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। चने की दाल, एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दसवीं के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लें। 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाया नहीं जाता। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी पर जौ, बैंगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें, मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर या तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करने चाहिए। एकादशी पर श्रीहरि की पूजा में पुराने बासी या किसी से मांगे या चुराए हुए फूल ना चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। भले ही एक फूल चढ़ाएं, लेकिन वह ताजा होना चाहिए। वैसे कमल और कुमुद के फूल 5 दिनों तक बासी नहीं होते हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु की प्रिय चीजें उन्हें अर्पित करने से सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो श्री हरि की पूजा में वर्जित हैं, जैसे अक्षत, अगस्त्य का फूल, माधवी और लोध के फूल। एकादशी पर दान 1000 पुण्य के समान है, लेकिन दान का फल तभी मिलता है जब निस्वार्थ भाव से किया हो। अगर वस्त्रों का दान कर रहे हैं तो ध्यान रखें पुराने फटे कपड़े ना हो। ऐसा दान करने से पुण्य की जगह पाप लगता है। मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत के दिन नाखून, बाल, दाढ़ी नहीं काटना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। क्रोध का त्याग और ब्रह्मचार्य का पालन करें। ध्यान रहे एकादशी व्रत दशमी तिथि से शुरू हो जाता है और द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले इसका पारण कर लेना चाहिए, नहीं तो व्रत व्यर्थ चला जाता है। एकादशी पर कंद, चावल, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैंगन खाने से परहेज करें। इस दिन इनका सेवन करने से व्रत का फल नहीं मिलता। जिन्होंने व्रत नहीं किया वह भी एकादशी पर इन चीजों को ना खाएं। एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी दल ना तोड़ें, इससे देवी लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और धन की हानि होती है। पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाने से एक दिन पहले ही तोड़ लें। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े
प्रभु प्रकट तब हो कर, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े, ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी, ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी, ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे, ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। सब बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो बृहस्पति भगवान की जय। कथा आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा।